नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार आए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का छठवां क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखो क्या है, यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व माने पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात, आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पहले उसके कुछ बेसिक को समझ, उम्र वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आयु वाले, उनमें आपको क्या करना है, वर्तमान आयु मान। अब देखो यहाँ पे मान के चलो मेरी वर्तमान आयु अभी मान लो 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष अभी वर्तमान, यानी आज के दिन वर्तमान। ठीक है, अगर मैं बोलूं 3 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, 25 में से क्या करूंगा, 3 माइनस करूंगा कि नहीं। ठीक है, तभी तो मेरी 3 साल पहले की आयु निकल के आएगी, यानी कितनी आएगी, 22 साल आएगी कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा 3 साल बाद, कितनी बाद, कितनी बात, 3 साल बाद, तो कितना होगा, 25 में कितना ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा। तो सिंपल सी बात यह है कि बाद के लिए आपको प्लस करना है, ठीक है, और पहले के लिए या फिर पूर्व के लिए आपको उतनी एज क्या करनी है, माइनस करनी है। अब ये वर्तमान आयु नहीं पता, अब इसमें पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स। अगर वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु क्या है, एक्स, उसमें से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। और 5 वर्ष बाद बोल रहा है या फिर पश्चात बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे, x+5। बस यही आपको कॉन्सेप्ट है इसका, और बहुत ही सिंपल है। तो आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है बहुत ही। अब क्वेश्चन को करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष, हम यही तो मानते हैं, एक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, क्या x मान चुके हैं, उसमें क्या y वर्ष, ये मान लिया, ये हमको मानना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पता है 2 शर्त होती है, एक पहली शर्त और दूसरी शर्त। तो पहली शर्त पढ़ते हैं, पहली शर्त का मतलब होता है पहला फुल स्टॉप कहाँ तक है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ तक पढ़ना है पहले क्वेश्चन, यानी पहले फुल स्टॉप। इस सभी क्वेश्चन में आपको फुल स्टॉप तक पढ़ना है, पहले तक। तो क्या है, 5 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो पहली शर्त है 5 वर्ष बाद बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, मान लो ये है जैकब की आयु, किसकी है, ये जैकब की आयु, और ये है उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। ठीक है, जैकब की आयु क्या मानी हमने, एक्स, उसके पुत्र की आयु क्या मानी है, वाई। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, देखो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 5 वर्ष आगे, यानी कि +5। अगर 5 वर्ष में बढ़ेंगे तो 5 वर्ष इसकी एज में भी तो बढ़ेंगे। अब 5 वर्ष क्या है, ये देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जैकब की आयु। तो जब भी जैकब की आयु 3 गुनी है, तो हमें उसके पुत्र की आयु को 3 गुना करना होता है, क्योंकि क्या है, बराबर करना है, तो पुत्र की आयु को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो x+5 बराबर 3 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3/2, प्लस 5 का 3 में करेंगे, 5 15, क्लियर। अब देख लो एक्स और वाई को इधर लाएंगे, तो -3/2 बराबर 15, ये 5 इधर जाएंगे तो -5, तो x-3/2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x-3/2 बराबर आ जाएगा 10।
ये बन गया आपका समीकरण नंबर एक, ये क्या बन गया समीकरण नंबर एक। और इसी तरीके से दूसरे साथ दूसरा क्या है देखो, पांच वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व। अब फिर से वही काम करेंगे, इधर जैकब की आयु को लिख लेंगे एक्स, इधर किसको लिख लेंगे उसके पुत्र की आयु को वाई, क्लियर, उसके पुत्र की आयु को लिख लिया एक्स और वाई होके। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, पांच वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, पूर्व के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस का पहले यानी कि माइनस पांच, माइनस पांच दोनों के में क्या है पांच घटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी हो जाएगी। सात गुनी का मतलब समझते हो, जैसे जैकब की आयु 70 है, जैसे उसकी जैकब की आयु 7 है, उसके पुत्र की आयु 7 है, ठीक है, तो उसके जैकब की आयु कितनी है 49। अब 49 इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 किसको करना पड़ेगा, पुत्र को भी करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को बराबर करना होता है, तो जस्ट अपोजिट को करते हैं हम इसे, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या बोल रहे हैं, किसकी आयु 7 गुना थी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो हमें किसको, किसकी आयु को करना पड़ेगा, उसके पुत्र की आयु को 7 गुना करना पड़ेगा, 7 गुना यानी 7 का गुणा कर दीजिए 7, क्लियर। अब कर दीजिए यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 7 का इसमें करेंगे तो 7 वाई माइनस 7 पंजे 35। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, x y को एक साइड कर लेंगे, x 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 वाई बराबर माइनस का 35, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 7 वाई इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 35 में से 5 गए तो माइनस का 30, ये बन गया समीकरण नंबर दो। ये क्या बन गया समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो, समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से हल करने पर, करते हैं विलोपन विधि से, पहले देखते हैं समीकरण एक को लिख लें, समीकरण एक कौन सा है, ये वाला x माइनस 3 बाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण ये रहा देखो, ये वाला x माइनस 7 बाई, क्या बोले को x माइनस 7 वाई बराबर माइनस का 30। अब विलोपन में क्या करते हैं, x और y को एक जैसा करते हैं, तो x हमको एक जैसे मिल गए, और जो एक जैसे हैं उनके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ता है, तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पे लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो हमेशा घटाने पे लिखेंगे, तो ये माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ये एक्सेस क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस यानी 7 में से 3 गए तो 4 भाई, चिन्ह किसका का प्लस का, क्योंकि 7 प्लस का है, बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, और यहाँ पे 10 और 3 कितने हो गए 40, 40 हो गए, और y बराबर कितना हो गया देखिए 40 बटे में 4, 4 धाम 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को किस में रखना है हमको, y की वैल्यू y बराबर 10 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक को पहले लिख लीजिए x माइनस 3 बाई बराबर 10, देखो समीकरण नंबर कौन सा है, एक ही है ना, ठीक है, x माइनस 3 बाई, अब क्या है जहां पे y होगा वहां पे आपको 10 रखना है, तो x माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है 10 बराबर 10, देखिए x माइनस 10 दिया 30 बराबर 10, और देखिए यहाँ पे x बराबर 10, ये 30 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 30, तो x बराबर कितना हो गया 30 और 10 40, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि आंसर आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है, क्या अतः
जेकब की वर्तमान आयु बराबर क्या माना था, एक्स माना था, एक्स यानी कि 40 वर्ष, वर्ष लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखो 10 वर्ष, कितनी है 10 वर्ष। एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग उत्तर के, वेरीफाई करके देखते हैं, देखो।